नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में स्वागत है आपका। दोस्तों, ये चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, और अब तक जो हमने कवर कर लिया है वो हमने अपनी वेबसाइट्स में एक ड्रूपल कॉमर्स का पूरा मतलब एक सेटअप बना लिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें एक अच्छी सी थीम डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो थीम के लिए हम जब थीम के लिए जाएंगे तो ये बूटस्ट्रैप थीम है और ये सबसे ज़्यादा ड्रूपल में यूज़ हुई है। अगर आपको पता करना है तो आपको यहाँ नीचे थीम्स में क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ आप जब देखेंगे जो फ़िल्टर हो रहा है वो मोस्ट इंस्टॉल्ड थीम्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे है वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है, और उसके बाद जैन है, उसके बाद ओमेगा, ठीक है। तो और भी थीम्स हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, और जिनको मैनुअल मेथड करना है वो अपना सीधा यहाँ उसको डाउनलोड करेंगे एक क्लिक करके, और जो जिप फाइल होगी उसको आप अपने प्रोजेक्ट में साइट्स के अंदर, ठीक है, ऑल्स के अंदर, थीम्स के अंदर, यहाँ आप आपको पेस्ट करेंगे, ठीक है। जिनको ड्रेस से करना है वो ड्रेस, ठीक है, डाउनलोड, और उसके बाद क्या करना है हमें, बूटस्ट्रैप मतलब ये वाला मशीन नेम इसका, तो हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जिनको लिखना है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने से क्या है कि चांसेस कम है एरर के, ठीक है, और इसको हम लोग एंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, और देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ भी गया एक्सट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। जिनको मैनुअल मेथड करना है उनको क्या करना है, यहाँ पेस्ट आके इनको जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा अपीयरेंस में जाके, तो ये हमारी बूटस्ट्रैप आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूज़फुल मॉड्यूल हम भी साथ में करते चलेंगे, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले चाहिए मॉड्यूल फ़िल्टर, ताकि जब हम लोग जाएंगे मॉड्यूल में तो हमारा ये जो इस तरीके का है, यहाँ पर क्या, अगर किसी मॉड्यूल को हमें इनेबल करना है तो बड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या, इसमें एक मॉड्यूल फ़िल्टर लगा देंगे तो सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल ड्रेस डाउनलोड, उसके बाद मॉड्यूल का नाम, जिनको मैनुअल करना है वो डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में, मॉड्यूल की डायरेक्टरी में रख लेंगे। और उसके बाद एक और हमारा हेल्पफुल मॉड्यूल है यहाँ पर एडमिन मेनू, इसमें क्या ऑप्शन मिलता है हमें, हमें इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा कि जिसमें हमें मेनू फ़िल्टर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, एंटर, चलते हैं, ठीक है। यहाँ हम नीचे आके देखेंगे तो हमारा एक मॉड्यूल फ़िल्टर हमको मिलेगा, ठीक है। और मॉड्यूल फ़िल्टर से पहले हम ये देख ले, एडमिन मेनू कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मॉड्यूल फ़िल्टर भी कर लेते हैं और मॉड्यूल टूल बार स्टाइल भी कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ेगी, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे मॉड्यूल एडमिन मेनू टूल बार को, तो आपका जो कोर का जो टूल बार है उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिसेबल करके अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये मॉड्यूल फ़िल्टर की वजह से हमारा अब सर्चेबल हो गया। अब हमें अगर एडमिन मेनू करना है तो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें एक बार कैश क्लियर करनी पड़ेगी, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी हमें कैश क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। इस वाले को हमें डिसेबल करना है, ठीक है। कैश क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन आ गया हमारा। आप इसका फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आपको बस यहाँ सीएसएस लगानी है जो यहाँ ओवरराइड कर देगी, ठीक है।
तो इसका फॉन्ट भी आप अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने अपनी एक अच्छी सी थीम डाउनलोड की, ठीक है, और अब इसको यूज़ करेंगे हम अगले वीडियो में, इनेबल करेंगे, ठीक है। और हमने अपने मॉड्यूल फिल्टर का यूज़ किया और एक अच्छा सा एडमिन मेनू टूल बार की ईजी क्लिक के लिए हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने एक अपनी थीम डाउनलोड कर ली, ठीक है, अभी हम इस थीम को नहीं यूज़ करेंगे, हम इसकी एक सब थीम बनाएंगे। सब थीम का यूज़ हम क्यों करेंगे दोस्तों, सब थीम का इसलिए यूज़ करेंगे ताकि अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो वर्ज़न है जो आप देख रहे हो इस समय, अगर इस वर्ज़न में हमारे पास अपडेट्स मिलती हैं हमको, तो हम इजीली अपने कोर वाली थीम को, हम लोग क्या करेंगे, कोर वाली थीम को अपना रिप्लेस कर देंगे और अपडेट कर देंगे। अगर आपने इसी में अगर क्योंकि आप अगर थीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें कस्टमाइजेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने कोर में ही चेंजेस कर दिए हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अपडेट करने में, ठीक है। आप अपडेट करोगे तो पूरे आपको जो जितने भी आपने कस्टमाइजेशन किए, मैनुअल कस्टमाइजेशन किए होंगे, तो आप उनको करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि हम इसका एक सब थीम बना लें और जितने भी हमारे खुद के जो कस्टमाइजेशन है उस सब थीम में हम करेंगे और हमारा कोर का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा कोर ड्रुपल का जो कोर है वो भी इसी बेस पे होता है कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाइए, ठीक है, आप हुक अल्टर यूज़ कीजिए, ठीक है, और ना कि उसी कोर के मॉड्यूल में जाके आप चेंज करना स्टार्ट कर दें तो वो गलत होगा, ठीक है, आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में जितने भी अच्छी चीज़ें आने वाली होंगी उसको आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।